इस समय हम ठीक सतवारी एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक बड़ा हंगामा इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो डिलीवरी बॉय हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और काफी ज्यादा परेशान हैं, नाराज हैं। क्या कुछ पूरी वजह है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है दलजीत सिंह। सर, हम कुरियर बॉय हैं। सर, हम जैसे पार्सल, जैसे कस्टमर आप रिटर्न डालते हो, हम पार्सल लेके आते हैं। अभी पिकअप हम वही डन करते हैं जो कस्टमर हमें देता है, डन करते हैं, कंप्यूटर पे भी डन करते हैं, क्योंकि आगे जाके कहते हैं हम डीलर सेलर कहता है हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। अभी उसमें हमारी थोड़ी गलती है, किसी को सर 32,000 डेबिट डाला, 26 डाला, 14 डाला, इतनी सर हम कैसे, हमें 14 रुपये पार्सल मिलता है। एक कस्टमर के दो पार्सल होंगे तो उसको वो भी हमें 8-8 रुपए मिलते, इतने हम कैसे पैसे देंगे। अभी गए हैं पुलिस बुलाने को, कहते हैं अभी आपको आप दोगे ना, रगड़ के दोगे, हम कैसे देंगे पैसे सर हमारी। हाँ, कहते हैं ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे आपकी, आप कहीं भी नहीं काम कर सकते, आपने गलत किया हमारे साथ। सर, अभी जो प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे आपने जैसे कोई मान लो टी शर्ट मंगवाई है, टी शर्ट मंगवाते हो, बीच में वो टी शर्ट निकलती नहीं है, कुछ कस्टमर हमें पकड़ लेता, कहता हमारे पैसे वापस दो। अभी मैंने कस्टमर को जियो का मोबाइल मंगवाया सर, 1200 का मोबाइल था वो, मैंने जैसे खोला, कस्टमर ने खोला सर, बीच में से नहाने वाला साबुन निकला। वो कहता भाई इसको मैं क्या करूं। सर, मैंने सर को फोन किया, मतलब सर देखो, उसने वीडियो बनाई, कहता देखो सर, कहता तू ले आ वापस। सर, दो बारी ऐसे हुआ, कस्टमर ने वो 1200 मैंने ले लिया, फिर उसको वो उधर से हमें जाने, कहते हमारा पैसा दो, उधर से पकड़ने आपको पता मानने लगते हैं। 1200 सर दो बार दिया, ये मानते ही नहीं है किसी को, इतना डेबिट दे रहा, कहता जहां हमें ऐसे नहीं बोलो, ये नहीं बोलो, आप डेबिट दोगे। अभी हम सर हमारे कितनी पे आउट बनता है, 16 रुपए मिलते, पूरे धूप में जाते हैं, दोपहर को शाम को आते हैं, 8 बजे आते हैं, ये हमें पैसे नहीं देते। भैया, कौन सी कंपनी के साथ काम करते हैं? शैडोफैक्स। शैडोफैक्स के साथ? मीशो की कंपनी है भैया। मीशो और अजियो में मिक्स पार्सल आते हैं। अच्छा, तो एक्चुअली भैया जो बंदा आया हुआ है ना कंपनी का, वो पता नहीं टीएल है, वो कह रहा है कि जो आपने पिकअप दिए, जो पार्सल वापस आता है वो कंपनी को प्रॉपर नहीं पहुंचा, तो उसके गाड़ी का आपको कह रहा है पेनल्टी बननी पड़ेगी। सर, नहीं तो कह रहा हम मीडिया में डाल देंगे, आपका आधार कार्ड हमारे पास आया, कहीं काम करने के लायक नहीं रहोगे। अच्छा, अभी कहाँ पे है वो? अभी वो अभी तो हमारे टीएल है ना सनी, उसका नाम है सनी और एक इनका सीनियर है, वो उनके साथ गया है इधर बाइक पे बैठ के, पता नहीं शायद पुलिस को बुलाने क्या करने गया। पुलिस को बुलाने गया, क्या कहना चाहेंगे? मतलब सर, ये बिना वजह के हमारे ऊपर डेबिट ठोका जा रहा है, गलती इनकी है और भुगतना हमें पड़ रहा है। यहाँ से हम लोग पिकअप डन करके पैक करके भेज देते हैं, अब आगे वाले जो पहुंचाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं जस्टिफाई? मेरे साथ ऐसा सीन भी हुआ है, मेरे साथ ऐसा सीन भी हुआ, मैंने जो पिकअप पैक करके भेजी है और उन्होंने वहां से मेरे को वापस वीडियो भेजी, जो मैंने चीज भेजी है सूट भेजा यहाँ से, और वहां पे मेरे को बता रहे कि मार्कर निकला हुआ, वो साफ साफ दिखा रहे कि साफ साफ सेलर फ्रॉड कर रहे हैं और उसका पेनल्टी हमें डाल रहे हैं आगे। अगर आप डिलीवरी बॉय हैं तो इस खबर को ध्यान से सुने और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी घटना का शिकार जो है वो आप लोग भी हो सकते हैं। जी जी, पार्सल के अंदर कई बार जो सेलर होता है खुद गलत सामान भेजता है। मैं अभी पिछले महीने की रिसेंट बात बताता हूँ, मैं पार्सल के ऊपर लिखा हुआ है ड्रोन, बकायदा पुलिस का अफसर था, उसके बेटे ने ड्रोन मंगाया और ऑनलाइन पेमेंट करने को वो तैयार है। वो बोलता है कि भैया मेरे साथ पिछली बार हो चुका है, आप एक बार पार्सल चेक करो तो मैं इसको फिर पेमेंट करूंगा। मैंने सर से परमिशन ली कि पार्सल खोल के चेक करवाऊं नहीं करवाऊं, उन्होंने बोला ठीक है चेक करवाओ, खोला उसमें से एक टी शर्ट और 10 रुपए वाले दो साबुन निकले, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। अभी ये क्या कह रहे हैं आपको जो कंपनी वाले, ये बोल रहे हैं कि आपको जितना पेनल्टी लगा उसका आपको भरना पड़ेगा और वो भी कैश में भरना पड़ेगा, एक साथ वो पूरा एक साथ भरना है, नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। 14 रुपए हमें पार्सल के मिलते हैं और ये हमारे 32-35 हजार हमारे डेबिट लगा रहे हैं। सर, वो हम कहाँ से देंगे मुझे हम बताओ, अगर हमारे पास इतना पैसा हम जहाँ काम करते। अब क्या चाहते हैं? सर, तेल भी अपने पैसे का डालते हैं, हम तो यही चाहते हैं। डेबिट क्या चाहते हैं? सर, हमारी पेनल्टी जो है क्लियर की जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, वो क्लियर होनी चाहिए। सर देखिए, सर जब हम कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं हम अपने सीनियर को कॉल करते हैं, सीनियर पूछते हैं टैग है, सर वो ऊपर से ऊपर ब्रांड है, एफआईआर करवाने गए हैं हमारे ऊपर, उल्टा हमारे ऊपर एफआईआर करवाने गए हैं, ऊपर से बच्चों की कस्में दी जा रही है, बच्चों की कस्में कौन खाता है पैसों के लिए? बच्चों की कस्में थोड़ा ना खाए कोई पार्सलों के लिए, आपको बच्चों की कस्में आपने ये किया आपने वो किया, ऐसे थोड़ा ना चलता काम। अब राइटर्स हैं, राइटर्स के भी थोड़ा देखो ना, ये थोड़ा अपना ही देखोगे सिर्फ। 17 रुपए देते हैं हम, 17 रुपए इकट्ठे करके कहाँ से 6,000 बन देंगे। और इस समय जो है वो हम ठीक सतवारी एयरपोर्ट के पास एक निजी कंपनी के स्टोर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको बता दे चलें कि मीशो का जो भी प्रोडक्ट होता है ये लोग जो है वो आप लोगों के घरों तक
उसे डिलीवर करते हैं, लेकिन ऐसे में इनका ये कहना है कि कई सारे प्रोडक्ट जब लोग मंगाते हैं ऐसे में मंगवाया जियो का फोन हो तो निकलता जो है वो साबुन है। जियो का फोन मंगाया मीशो से, लेकिन ऐसे में जो है वो जब उसे देखा गया, चेक किया गया, तो उसमें से जो है वो जब ये डिलीवर करते हैं तो उसमें जब जो भी कस्टमर था उसमें से जो है वो नहाने वाला साबुन जो है वो निकलता है, तो काफी हैरानगी है। और इनका ये कहना है कि अब हमें जो है परेशान किया जा रहा है, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं, हम सिर्फ यहाँ से सामान लेते हैं और लोगों के घरों तक जो है वो डिलीवर करते हैं, लेकिन अब हमें जो है वो यहाँ पर हरासमेंट किया जा रहा है, हमारे पैसे जो है वो काटे जा रहे हैं, हमें जो है वो यहाँ पर पेनल्टी जो है वो हम भरने को जो है वो कहा जा रहा है। फिलहाल आप जनता अपनी राय इस पर जरूर साझा करें, लेकिन काफी बड़ा हंगामा इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो डिलीवरी बॉयज है, अगर आप तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप इस घटना का दोबारा जो है वो शिकार ना हो। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।